वेलकम बैक टू डोनिक एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ फैन लुपिनसिस को फेंक देता है और लुपिनसिस कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि उन सैनिकों को हम पीछे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। अगर तुम वहां पर जाओगे तो तुम मर जाओगी, इसलिए यहाँ से हमें निकलना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। दोस्तों तो आप यहाँ से हम आगे का एपिसोड शुरू करते हैं। लुपिनसिस का नौकर कहता है, तुम पे धिक्कार है नौकर कमीने, मुझे वापस यहाँ से जाने दो। तुम बदबूदार प्रिंस, मैं तुम्हारे पिछवाड़े को लाल कर दूंगा मार मार के। अभी फिर जाओ फैन अजीब सी मुस्कान देता है प्रिंस को देख। फिर प्रिंस जाओ फैन की तरफ देखता है और अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है कि वास्तव में मेरे पिछवाड़े को लाल कर देगा मार मार कर। फिर हम एक सुंदर सा फूल खिलते हुए देखते हैं। फिर हमें बाद में पता चलता है कि जाओ फैन ने प्रिंस के पिछवाड़े पे बहुत मारा था, इसी वजह से फूल खिलने लग गया था। फिर लेडी लू कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अधिक कर रहे हो जाओ फैन। फिर जाओ फैन कहता है कि ये तो छोटी सी पनिशमेंट थी, वैसे भी डाकू के हाथों से मरना तो अच्छा ही है। वैसे यहाँ कहीं छुपने के लिए जगह है क्या? लेडी लू बड़ी उदासी से कहती है कि यहाँ पर कहीं छुपने के लिए जगह नहीं है। यहाँ एक काली हवाओं के पहाड़ों के पीछे एक धुंधला सा जंगल है जहाँ डाकुए भी पहुँच सकते हैं। लेडी लू अपने भाई को पकड़ो और अब यहाँ से हम चलते हैं क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं, और मुझे उस पहाड़ का रास्ता दिखाओ। लेडी लू प्रिंसेस कहती है मन में कि एक बार हम इस स्थिति से बाहर निकल जाए फिर मैं बाहर जाकर तुम्हें दंडित करूंगी। फिर हम एक सुंदर सा चांद देखते हैं जो चांदी रात में चांद खिल रहा होता है। इतने में हमें काली हवाओं का धुंधला पहाड़ दिखाई देता है। फिर लेडी लू प्रिंसेस जाओफेन से कहती है मिस्टी क्लाउड फॉरेस्ट है, यहाँ पर कई सालों से धुंध जमी हुई है, यहाँ पर लोगों का आना जाना मुश्किल है। जाओ फैन, मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि काली हवाओं के पहाड़ों का सरदार बहुत ही खतरनाक है, उन्होंने कई दशकों तक तो हम पर हमला नहीं किया, पता नहीं अचानक इस बार क्यों हमला कर दिया है। फिर जाओ फैन क्रीपी सी स्माइल देकर बोलता है कि हे ये तो बहुत अच्छी जगह है छुपने के लिए। जाओ फैन तुम प्रिंस के साथ जाओ, मैं डाकुओं का ध्यान भटकाता हूँ। मैं मना करता हूँ, मुझे इस इलाके की आदत नहीं है, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं इस बच्चे का ध्यान नहीं रखूंगा। जाओ फैन ये तुम क्या कह रहे हो, तुम कमीने नौकर, तुम मेरी बहन को कैसे धमका सकते हो। फिर जाओ फैन कहता है अगर तुम उन डाकू के पास जाओगी तो तुम मर जाओगी, और तुम्हें जीना है अपने लोगों के लिए और तुम्हारा जीवन बहुत मूल्य है। और फिर जाओ फैन लेडी प्रिंस के पास जाकर कहता है कि हम वैसे भी उन सबको नष्ट कर देंगे, जो अभी मैंने कहा है वो मैं अभी करूंगा। लेडी लू ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खामोश हो जाती है और कुछ नहीं कहती है। जाओ फैन तुम पागल हो क्या, तुम उन्हें कैसे हरा सकते हो, तुम बहुत कमजोर है इस समय। लू परिवार का प्रिंस कहता है जाओ फैन मिस्टर सन के पास बहुत अधिक मात्रा में क्यू आई शक्ति है, ऊपर से चार लोग व्यक्ति शक्तिशाली है उसके पास। जाओ फैन हल्की से मुस्कान देता और कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेडी लू चिल्लाकर बोलती है यहाँ तक कि पैंग टैंग भी उसे हरा नहीं सकता है। जाओ फैन जाते जाते कहता है कि वे सब बेकार कचड़े हैं, हालांकि मेरी राय मानकर तुम आत्मसमर्पण कर सकते हो। मेरी महिला है, मुझे स्पेशल पत्थर क्यों नहीं दे देती हो, लू परिवार की आखिरी उम्मीद आपके हाथों में है। लेडी लू प्रिंसेस गुस्से में आकर अपने दांत घिटने लगते बहुत जोरों से। लेडी लू अपने हाथों से एक अंगूठी उतारती है और जाओ फैन की तरफ फेंक देती है, और जाओ फैन जल्दी से कैच पकड़ लेता है। लेडी लाओ शर्माते हुए जाओ फैन से कहती है कि यदि तुम मुझसे झूठ बोलते हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जाओ फैन जंगल की तरफ जाते हुए कहता है कि मेरे लिए इंतजार करो थोड़ी देर के लिए। लेडी लू जाओ फैन को जाते हुए देख रही होती है। फिर प्रिंस कहता है सिस्टर वह कमीना चला गया है, हमें उसे डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। लेडी लू यून के सर पर हाथ रखती है और कहती है कि यून है भली ये नौकर हमारा सम्मान नहीं करता लेकिन हमारी बहुत सारी मदद कर रहा है, और यह उन लोगों से तो बहुत बढ़िया है जो लोग बकवास करते हैं और पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं। दोस्तों यहीं पर हमें पता चलता है कि प्रिंस का नाम यून ही है, अब से हम उसे यून ही कहेंगे। दोस्तों हम एक ऐसे रास्ते को देखते हैं जो सुनसान सा रास्ता और पापा कंकाल पड़े हुए हैं, जाओ फैन वहीं से जा रहा है। फिर जाओ फैन कहता है कि ग्रीन चौक सेंट्रल में आकाश खाली है और सीधा है, यहाँ इस आकाश में बहुत सारी मात्रा में अधिक प्राकृतिक एरे हैं, यह इतनी बुरी बात है कि यह बात कोई नहीं जानता है। एक मैं इस बार आया हूँ आपको यहाँ सेकंड माउंटेन टियान बदलने के लिए। फिर जाओ फैन एक मंत्र से बोलता है कि 9 रिमोट घोस्ट दरवाजा खुल जाओ और बुरी आत्माएं क्वार्टर यहाँ आ जाओ। जाओ फैन के हाथ में एक आम अंगूठी देखती है जो लू प्रिंसेस ने दी होती है। जाओ फैन उस अंगूठी को देखकर एक अजीब सी क्रीपी सी स्माइल देता है। फिर हम देखते हैं जाओ फैन के हाथों में अंगूठी अचानक से बहुत तेज रोशनी से चमकने लगती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जाओ फैन अंगूठी जमीन पर रखकर जोर से कहता कि एक्टिवेट। फिर यूनियन कहता है कि दीदी वहां देखो। लेडी लू और यूनियन एक चट्टान पर खड़े हुए होते हैं और जंगल में से बहुत सारी आवाज आ रही होती है। फिर लेडी लू कहती है कि यह फॉग बहुत ज्यादा निकल रहा है जंगल में से। फिर लेडी लू दोबारा से कहती है यह फॉग सच में गायब हो रहा है। फिर जाओ फैन लेडी लू के पास आता है। लेडी लू जाओ फैन से जोर से कहती है जाओ फैन क्या यह तुम थे, अंत में क्या हुआ। फिर जाओ फैन कहता है लेडी लू पहले आप शांत हो जाइए, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेडी लू मेरा अनुसरण करे, जब वे यहाँ आएंगे तो मैं आपको जादुई बंधन और जादुई स्पेल सिखाऊंगा, आप उन्हें नियंत्रित और मार भी सकते हैं। क्या
हम उन्हें इन तरीके से हरा सकते हैं। लेडी लू मन में कहती है कि यह फर्स्ट एरे मेथड संसार में मार्टियल आर्ट और मेथड से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यह फर्स्ट एरे मेथड बहुत ही रेशमी है और यह जोंग मैंग फैमिली द्वारा पहले इस्तेमाल किया गया था। यह फर्स्ट लेवल एरे सैकड़ों हजारों से जिंगसी में है, इसकी कीमत नापी नहीं जा सकती है। लेडी लू दोबारा से मन में सोचती कि जाओ फैन केवल एक गुलाम है, लेकिन उसने एरे संरचनाओं का आकस्मिक रूप से सेट बनाया। लेडी लू जाओ फैन से पूछती है, जाओ फैन यह तुम कैसे जानते हो? जाओ फैन एक पेड़ पर हाथ रख कर कहता है कि लेडी लू से, लेडी लू चिंता मत करो इस बारे में कि मैंने यह कैसे किया। मैंने सीमा निर्धारित कर दी है, मैं तुम्हें अभी सिखाऊंगा उनको मारने के लिए। फिर लेडी लू हल्का से हैरानी से चेहरा बना दिए, जाओ फैन की तरफ देखो, लेडी लू कुछ सोचने लगती है। फिर हम दूसरी सीन में देखते हैं कि बहुत खूबसूरत चांदनी रात होती है। पैंग टोंग लिक चिल्ला कर बोलता कि मिस्टर सन, पैदा हुआ कि तुम मुझे अभी मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और उनका बदला लूंगा जो मर गए हैं। मिस्टर सन हल्की सी मुस्कान देता और पैंग टोंग लिक से कहता, हे मैं आपको बंधक बनाऊंगा और आपका नाम का इस्तेमाल करके मैं उनको बाहर निकलवाऊंगा जहाँ पर वे छुपे हुए हैं, और मैं उस धुंध की जंगल से परिचित नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। फिर मिस्टर सन दोबारा से कहता है, पोंग टोंगलिंग तुम्हें आगे बढ़ना है, अगर नहीं बढ़ते हो तो वैसे भी आप जानते हो कि वह महिला आपके ऊपर कितनी दयालु है, वह महिला आपको पीछे नहीं छोड़ेगी और आपको लेने के लिए वापस आएगी। पोंग टोंगलिंग चिल्ला कर बोलता है, मिस्टर सन तुम कमीने मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो लू प्रिंसेस को धमकाने के लिए। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।